वो जो बार बार ये कह रहा था कि पूछो, कह रहा था ना पूछो, जो कुछ मुझसे पूछना चाहते हो पूछो, कबल अन तफ्तेदूनी, कबल इसके कि तुम मुझे गुम कर दो, मैं गुम नहीं हूंगा, तुम मुझे गुम करोगे। ये हयात अली का तसलसल है। कहा पूछे, कहा कि हाँ पूछो, तकरीर आखिरी मरहले में दाखिल हो गई है। कहा पूछे, कहा हाँ पूछो। कहा कि अली ये बताओ, कुत्ते और बकरी के मेल से अगर कोई मखलूक पैदा हो जाए तो उसे कुत्ता समझे या बकरी? मफरूजा है, मफरूजा है, यानी ऐसा हुआ नहीं, मफरूजा। कहा कि भाई ऐसा करो कि पानी उसके सामने रख दो, अगर जबान से चाट के पिए कुत्ता है। कितना कितना आसान जवाब है कि कुत्ते, भाई अजीब गरीब, अब मैं मजबूर हूं ना, वाकया है, मुझे नकल करना है। कुत्ते और बकरी के मेल से अगर कोई बच्चा पैदा हो जाए तो उसे कुत्ता समझे या बकरी समझे? कहा कि भाई पानी सामने रखो, अगर जबान से चाट के पिए कुत्ता है, और अगर होंठों से पिए बकरी है। अब वो पूछने वाला ही क्या, जिसकी जिसकी तशफी अली से हो जाए। कहा क्या अली कभी ऐसे करता है कभी वैसे करता है। कैसा कैसा कमाल है, अली को लाजवाब करने के लिए आए हैं। दावा है ना मिंबर से, सलूनी सलूनी, जो कुछ मुझसे पूछना चाहते हो पूछो, तो अब लाजवाब करना है अली को। कहा कि भाई पानी रख के देख लो, अगर जबान से चाटे कुत्ता है, और अगर फोटो से पिए बकरी है। कहा कभी ऐसे करता है कभी वैसे करता है। कहा अच्छा दूसरा काम करो, घास रख के देख लो, अगर घास खा रहे बकरी है, अगर घास ना खाए। कहा अली हमने दोनों काम करके देख लिए, कभी घास खाता है कभी नहीं भी खाता। भाई सच्ची बात यह है कि यह अली ही का कलेजा था। सच्ची बात यह है कि यह अली का कलेजा था, वरना अगर मेरे पास कोई ऐसा सवाल लेके आता तो मैं कहता पहले उस जानवर को सामने लाओ। अर्ज किया ना कि ये कलेजा अली का है, वरना कोई भी मुफ्ती मुल्ला होता कहता सामने लाओ, जानवर सामने लाओ। लेकिन वो अली ही क्या जो मफरूजे का भी जवाब न दे। यानी अली मफरूजे का जवाब दे रहे, मफरूजे का वजूद कोई नहीं है, नहीं है ना वजूद। अच्छा तो अब बकरी है या कुत्ता? कहा पानी रखो, कहा कभी ऐसे पीता है कभी वैसे पीता है। कहा अच्छा घास रख दो। कहा कभी खाता है कभी नहीं खाता। कहा अच्छा तो अब एक तीसरा काम करो, ये देखो कि जब वो बैठता है तो अगले पैरों से बैठता है या पिछले पैरों से। अगर पिछले पैरों से बैठे कुत्ता है, अगर अगले पैरों से बैठे बकरी है। कहा कभी ऐसे बैठता है कभी वैसे बैठता है। बस
मेरी तकलीफ तमाम हो गई। मैंने कहा ना कि भाई वो पूछने वाला ही क्या जो जो जम न जाए अली के मुकाबले पर। भाई अगर दुश्मन हो, अगर दुश्मन हो और काबिल सलाहियत और काबिल तारीफ हो तो तारीफ करनी चाहिए ना भाई। सलाहियत वाला दुश्मन है, कहा कभी ऐसे करता है, कभी वैसे करता है, कभी अगली टांगों पे बैठता है, कभी पिछली टांगों पे बैठता है। कहा अच्छा तो फिर एक और तरकीब शुरू। अब एक और तरकीब शुरू। कहा अली वो क्या? कहा रफे हाजत के वक्त देखो, अगर खड़ा खड़ा रफे हाजत करे बकरी है, अगर टांग उठा दे कुत्ता है। बस मेरी तकरीर आखिरी मरहले में आ गई। कहा अली कभी ऐसे करता है, कभी वैसे करता है। तो कहा भाई अब आखिरी जवाब सुनो, उसे जिबा कर डालो, अगर फकत अतड़िया मिले तो कुत्ता है और अगर ओजड़ी मिले तो बकरी है। गुफ्तगु तमाम हो गई भाई। इसका नाम है राशिकुन अबीरम। यानी मैं कहना क्या चाह रहा था, जो भाई मफरूजे का कोई वजूद नहीं होता ना, जो मफरूजे के अंदर देखे उसे अली कहते हैं।